नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम हिमाचली स्टाइल में काले मसूर की दाल बनाने जा रहे हैं। तो दाल में लगने वाली सामग्री है, एक कटोरी दाल ले ली है, उसको 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा साबुत, 3 साबुत सूखी लाल मिर्च, 4 कलियां बारीक कटी हुई लहसुन की, 2 प्याज बारीक कटा हुआ और आम की माकड़ी या उसको खटिया भी कहते हैं, और बनाने के लिए सरसों का तेल। तो सबसे पहले हमने दाल उबाल ली है, गैस ऑन कर लिए, कुकर रख दिया है, उसमें हमने धुली हुई मसूर की दाल डालनी है। पानी डाल देंगे, एक कटोरी हमने दाल डाली है तो 2.5 कटोरी हमने पानी डाला है। उसके बाद हम हल्दी डाल देंगे, नमक, हींग, एक चम्मच सरसों का तेल, इसको अच्छे से मिला देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और 5 सीटी आने तक हमने इसको दाल को पकाना है। आंच को मध्यम रखना है। पांच सीटियां आ चुकी हैं, दाल पक चुकी है। अब हमने गैस बंद कर देनी है और कुकर में से स्टीम अपने आप निकलने देंगे। जब तक स्टीम निकलती है तब तक हमने एक बर्तन लेना है, तो जो माकड़ी है यानी खटियां, इनको हमने पानी में भिगो के रख देना है। कुकर में से स्टीम निकल चुकी है, अब हमें इसका ढक्कन खोल देना है और दाल को चेक करेंगे। दाल देखिए नरम हो गई है, बन गई है। जो माकड़ियां हैं यानी खटियां, वो भी नरम हो गई है। उनको हमने पानी से निकाल के निचोड़ के अलग रख लेना है और हम इस दाल को ट्रेडिशनल तरीके से तड़का लगाएंगे, तो इसलिए हमने इसको लोहे की कढ़ाई में तड़का लगाएंगे।
कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया है। उसमें हमने सरसों का तेल डाल देंगे और सरसों के तेल को अच्छे से पकने देंगे। तेल गरम हो चुका है, आंच को हम कम कर देंगे। जीरा डाल देंगे, साबुत इलायची लाल मिर्च, देखो हमने इसको 20 सेकंड के लिए भूनना है। 30 सेकंड हो चुके हैं, अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, उसको भी हमने अच्छे से पकाना है। आंच को हमने कम ही रखना है। लहसुन भी ब्राउन हो चुका है, पक गया है। अब हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसको भी हमने कम आंच में लगातार चलाते हुए पकाना है। हल्की आंच में लगातार चलाते हुए प्याज भून चुका है और इसको हल्की आंच में चलाए, इससे प्याज भी अच्छे से पक जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता दाल। अब हमने लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, यानी खटिया, फिर हमने इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आंच को तेज कर देंगे, फिर हमने लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक पकाना है। एक मिनट हो चुका है, अब हमने इसको इसमें दाल डाल देंगे। फिर हमने आंच कम कर देनी है। कम आंच में हमने दाल को 3 मिनट तक पकाना है ताकि जो हमने जो माकड़ियाँ भिगोई हैं यानी खटियाँ, उसका टेस्ट दाल में अच्छे से, यानी उसका फ्लेवर दाल में अच्छे से आ जाए और दाल खट्टी भी हो जाए। दाल को पकते हुए कम आंच में 3 मिनट हो चुके हैं, दाल पक चुकी है। अब दाल को हमने सर्व करना है, गैस बंद कर देंगे और दाल को सर्व करेंगे। हिमाचली स्टाइल में काले मसर की खट्टी दाल बनके तैयार है, जिसे हमने ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जो कि खटियों से बनती है यानी माखनी से बनती है। इसे आप घर पे जरूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अलग आता है। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूले, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।